लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में, और घर देर तक महकता रहा। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है। परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संचार का नियम है, कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे, चाहे दुःख में रहूं चाहे सुख में रहूं, जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है न समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं, क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना प्राय मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का, जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली, जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है।
मंजिल मुझे छोड़ गई रास्तों ने पाल लिया है। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे कृष्ण ने संभल लिया है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो, खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर हैं। नर्क के तीन द्वार हैं, वासना क्रोध और लालच। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगम करते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की, कृपा की बूंद काफी है। रहो मस्ती में हर दम, बस कान्हा का ध्यान काफी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक करता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करें। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाए दे, उसी का नाम श्रद्धा है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। बात इतनी मधुर रखे कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। तेरी यादों के साथ यूं जिंदगी का सफर करते हैं हम, अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार चरित्र और सम्मान की हो, चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बनके बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे इश्क का जादू, सोते जागते तुम ही तुम नजर आते हो। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। इंसान नहीं उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो,
फिर दर्द जाने, दवा जाने और कान्हा जाने। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं आता। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे, अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। लाख रहे दूरियां तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा न मिटे मेरा भाई। राजा हो या रंग, उसके वहां होगी सबके कर्मों की सुनवाई। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है, जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। उम्र कम थी और इश्क बेहिसाब हो गया, उम्र बढ़ती गई और ये रोग लाजवाब हो गया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। तेरा दिया हर गम हर दर्द गवारा है मुझको, ऐ सांवरिया मेरे, बस एक बार कह दो, तुमने मुझे अपना मान लिया है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है, जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नहीं शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सब के दुख दूर करने वाला। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है,
मैं और मेरा की लालसा कथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मौन अच्छा है परंतु अन्याय हो तब नहीं। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा कोई सुनता नहीं। मेरे कान्हा, आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीमनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन को यदि दुर्हक और बैर से भर लोगे तो तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द मरहम। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। जो मुझे जिस रूप में पूछता है मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। जल से पवित्र होता है मन, सत्य से बुद्धि, ज्ञान से और आत्मा धर्म से। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं।
उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं, जो अपने भीतर खुशी संभाल कर रखता है। किसी से जुदा होना अगर आसन होता तो जिस्म से रूह को लेने कभी फरिश्ते ना आते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही हैं जो दुख में साथ दे। न कोई चिट्ठी न तुम्हारा तार आता है, फिर भी दर्शन करने को कान्हा वृंदावन पूरा संसार आता है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी। दिल में ना जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई। तेरे दीदार को छोटी से छोटी चाह मेरे जीने की वजह बन गई। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सामने बैठे रहो प्यारे, दिल को करार आएगा। जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यार आएगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना इससे बड़ा की इंतकाम नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। ईश्वर के फैसले पर क्यों करते को गिले शिकवे। सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुए होंगे। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। धन और बल जीवन के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र जीवन की जड़ हैं। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ लें, कितने भी अच्छे अच्छे शब्द सुन लें, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते
तब तक उसका कोई फायदा नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही साबित करके दिखाएं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। मैं दिल में तेरी मौजूदगी को महफूज कर लेता हूँ। जब भी तन्हा होता हूँ तुम्हें महसूस कर लेता हूँ। कई है दीवाने यहाँ राधा रानी के, ले चले जो मुझे धाम राधा रानी के। जेब है खाली आज मैं कैसे जा, कोई है या बस तड़प के रह जा। वो तो बनके रहना चाहता था राधा का कान्हा, पर समाज की जिम्मेदारी ने बना दिया उसे परमात्मा। हाँ मिलती है खुशी अब अकेले में, रहना सीख लिया सबके बिना मैंने। अजीब सी खुशी है अकेले जीने में, राधा नाम मन में बसा लिया मैंने। बड़ी शिद्दत से निभाया तुमने अपने हिस्से के मोहब्बत को, कभी राधा बनकर कभी मीरा बनकर। बस अपने किरदार से शिकायत रही मुझे, हर बार अपना तो कहा तुमको, बस अपनाया न गया। अगर तू मेरा कृष्ण होता मैं होती तेरी राधा, तो हमारा इश्क भी उनके जैसा रह जाता आधा। मैं आज भी कागज कोरा होता कर तुम न स्याही श्यामल होते। प्रीत में तेरी कान्हा मैं अब पागल सी होने लग गई हूँ। बंसी की धुन सुन के मधुर मैं दिन रात थिरकने लग गई हूँ। सुनो कान्हा, जिस पल कोई आस न हो उस पल भी तुझसे आस बाकी हो, मुझमें तेरी एक सांस बाकी हो, जो अधूरी होकर भी पूरी है, जिसके बिना ये दुनिया सुनी है, वही तो मेरी राधा कृष्ण की जोड़ी है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। इंसाफ के लिए हमेशा जबान खोलते हैं, अनदेखा ना कर मेरे लफ्जों से मेरे कान्हा बोलते हैं। अमीरों की सुखन से इन्हें क्या वास्ता, मेरे अल्फाज दर्द सुदामा का बोलते हैं। करके बच्चों सी नादानी, हो गई मैं जग से अनजानी, अपने ही प्रेम से बेगानी, हो गई मैं भी कृष्ण की दीवानी। बस देखने का ही तो नजरिया है, कुछ के लिए श्याम काला है, तो कुछ के लिए सांवरिया कृष्ण है। तेरी भूमि सी सूरत सांवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, अब तो पहले से भी कहीं ज्यादा, न जाने क्यों याद आ रही है। मुझे मिला नहीं मौका अभी कि कुछ कर गुजर जाऊं, हाथ पकड़ के निकल दे पार सांवरिया, कि मैं भी तेरा शुक्र मना। तुम कृष्ण जैसे हो सबके दिल को भाते हो, मैं राधा जैसी हूँ सिर्फ तुमसे दिल लगाती हूँ। मौका प्यार का इजहार करने का, वरना डर तो हमें भगवान का भी नहीं लगता, पर क्या करे डरना पड़ता है, क्योंकि हम भक्ति जो श्री कृष्ण की करते हैं।